नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो यूपी टेट 2021-22 का जो पेपर है उसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन था उसको हमने डिस्कस किया था, उसी क्रम में आज हम 2019 का जो पेपर था, आपको पता भी होगा 2020 में पेपर नहीं हुआ था कि जो आपका यूपी टेट है वो 2020 में नहीं हुआ था, ठीक है, कोविड की वजह से। तो 2019 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चन पेपर कैसे आए थे। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें था कि सन 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन, मतलब जो पहली यात्री ट्रेन है वो कब चली थी। तो ये आपकी मतलब ट्रेन चली थी कहाँ से कहाँ तक, सन तो इसमें दे ही दिया है, तो 1853 में चली वो कहाँ से कहाँ तक, तो ये बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत मतलब अगर आपने ये एक बार भी कभी पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो एशिया का अगर सबसे बड़ा, ये भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर बिहार में आयोजित होता है, ठीक है, और ये कार्तिक पूर्णिमा को, वही नवंबर दिसंबर के आसपास, और इसी समय यहाँ पे पुष्कर जो राजस्थान में है वहाँ पे भी पशु मेला आयोजित होता है, लेकिन सबसे बड़ा की यहाँ पे बात किया है तो वो आपका सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर बिहार में है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना का वर्ष पूछा है, तो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वर्ष वाले जहाँ पे सन आपके आ जाएंगे तो इस तरह के प्रश्न अगर आपको पहले से पता है याद है तब तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मुश्किल लगता है कि इसमें टिक लगाना होता है, तो आपको बिल्कुल जब कन्फर्म हो तब आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं होता है तो आपको करने से भी प्रश्न है लेकिन यहाँ पे गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो है वो 1961 में हुई थी, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन था कि समता के अधिकारों का, जो समता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, इसका उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, तो ये मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसमें जो अनुच्छेद 14 से 18 तक हैं ये आपके समता का अधिकार, मतलब राइट ऑफ इक्वालिटी इसको बोलते हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू है, ठीक है, लचीला संविधान का मतलब है फ्लेक्सिबल, जहाँ पे आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम या यूके का जो संविधान है बहुत ही लचीला है, और अगर भारत के संविधान को पूछा जाए कि भारत का संविधान कैसा है तो ये आपका कठोर और लचीला दोनोंपन है, मतलब इसमें लचीलापन भी है और कठोरता भी है। निम्न में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है, रेंडियर मतलब एक तरह का रेंडियर जो है ये आपका टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, और टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए ये परिवहन और माल ढोने का काम करता है, ठीक है, इस पे सामान को ढोया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, अब नहीं और है इस तरह के क्वेश्चन हमको पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो अगर शीतोष्ण नहीं है तो कौन सा होगा, फिर आपका उष्णकटिबंधीय हो जाएगा, तो आपसे ये पूछ रहा है, तो इसमें कंपास जो है, ठीक है, कंपास, डाउन्स, प्रेरीज, पंपास, ये सब बहुत सारे हैं, तो इसमें अगर उष्णकटिबंधीय की बात किया जाए तो कंपास जो है वो उष्णकटिबंधीय है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, और पंपास जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय है। जनसंख्या के आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, वृहत्तम मतलब सबसे बड़ा जो जनसंख्या के आकार में, तो एशिया महाद्वीप जो है वो जनसंख्या के आधार पर अगर पूछा जाएगा तो वो सबसे बड़ा है, ठीक है, यह लगभग पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसके लगभग एक तिहाई भाग में फैला हुआ है, ठीक है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, थारू जनजाति कहाँ पे है, तो इसमें देखिए इसके उत्तर में दो क्वेश्चन सही थे, मतलब इस प्रश्न में दो उत्तर सही थे, एक तो इसमें ऑप्शन था तराई रीजन जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का जो तराई रीजन है और उत्तराखंड में, तो दोनों जगह पे जो थारू जनजाति है उसका निवास है, ठीक है, तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही थे, आयोग ने इसका उत्तर ए और बी दोनों माना था, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है थारू जनजाति। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है, तो भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसको रूस की सहायता से, ये भारत का जो है वो सबसे पहला इस्पात संयंत्र है, ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो सोवियत रूस की मदद से की गई थी, आपने रूस पढ़ा होगा भिलाई है, ठीक है, आपका भिलाई के बाद आपका इसी तरह के चार हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोकारो है, भिलाई है, ठीक है, इस तरह से चार हैं आपके जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपसे। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है, महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो आपकी पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है,
ठीक है। इसमें कुल सीटों की संख्या जितनी है उसमें एक तिहाई जो है वो महिलाओं का आरक्षण यहाँ पे बताया गया है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर किसी राज्य पे राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। देखिए उम्र वाले भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। राज्यसभा मेंबर बनना है, लोकसभा सदस्य बनना है, विधानसभा, विधान परिषद, इस तरह के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह के क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा राज्यपाल बनने के लिए तो 35 वर्ष की उम्र जो है वो सबसे एक मिनिमम लेवल है कि 35 वर्ष की उम्र तो होनी चाहिए। इसके बाद भी योग्यताएं हैं, ठीक है, पात्रताएं हैं, लेकिन सबसे पहली है कि उम्र 35 वर्ष की हो। फिर आपका एक सुमेलित करने का क्वेश्चन था कि भारतीय संघ, ठीक है, राज्य, नगर निगम और ग्राम पंचायत, ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो सर्वे सर्वा होता है, तो जब भारतीय संघ की बात होगी, ठीक है, तो उसमें आपका जो सर्वे सर्वा होगा वो प्रधानमंत्री होगा, राज्य में राज्यपाल होगा, नगर निगम में मेयर होगा और ग्राम पंचायत में होता है जिसको हम ग्राम पंचायत में सरपंच होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे था। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था, मतलब जो अनुच्छेद 356 है इसका प्रयोग सबसे पहले कब और कहाँ हुआ, तो कब का अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये 1959 ध्यान रखना है, और कहाँ हुआ तो केरल में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले 1959 में केरल में अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ था। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, नगर निगम कौन सा कर लगा सकता है, तो नगर निगम, ठीक है, नगर निगम जो है वो आपका इसमें जो उत्तर सही था वो आपका मतलब ऑल ऑफ द अबव सही था, क्योंकि नगर निगम जो है गृह कर है, चुंगी कर है, मनोरंजन कर है जिसको आप इंटरटेनमेंट टैक्स बोलते हैं, हाउस टैक्स बोलते हैं, जो टोल टैक्स है जिसको आप चुंगी कर बोलते हैं, तो ये सब कर जो है वो नगर निगम लगाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है वो कौन सा है? ठीक है, तो इसका आपको नाम ध्यान रखना, इसका जो सामान्य नाम है जिसको हम पढ़ते हैं वो है जलकुंभी। ठीक है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो एकॉर्निया, ठीक है, क्रॉसिपस, ठीक है, एकॉर्निया क्रॉसिपस इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जलीय खरपतवार है जो जल से जो ऑक्सीजन है उसको खींच लेता है। ठीक है, तो इसमें उसके परिणाम स्वरूप जो उसमें मछलियां वगैरह होते हैं या कीट पतंगे और भी होते हैं वो सब मर जाते हैं, तो इसीलिए इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? देखिए वायरस जैविक और अजैविक, तो यहाँ पे अजैविक पूछा है कि वायरस अजैविक है, इसके पीछे इसका लक्षण क्या है, मतलब इसका क्या रीज़न है इसके पीछे, तो ये क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो वायरस है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यही इसके अजैविक होने का लक्षण है। ठीक है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा प्लांट हार्मोन जो फलों को पकाने में मददगार है, तो ये आपका एथिलीन है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह कौन सा है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय अबायोटिक जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वो आपका क्लास्ट्रोडियम है। ठीक है, क्लास्ट्रोडियम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। इसमें किस प्रकार की डीएनए कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है? ठीक है, किस प्रकार का डीएनए जो है वो कोशिका में किस तरह का डीएनए पाया जाता है, तो ये बी डीएनए होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बी डीएनए जो है वो सभी प्रकार के जो कोशिकाएं हैं उसमें पाया जाता है सामान्य रूप से। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का उदाहरण अगर आपसे पूछेगा तो यूकेलिप्टस है। ठीक है, अचल का मतलब है जो चलने में सक्षम नहीं है। ठीक है, ये और ये पोरीफेरा संघ का जो है वो जंतु है, और ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन अगर चलने में सक्षम नहीं तो क्या है, ये किसी न किसी बहुत ही दृढ़ मतलब फर्म एक बेस होगा, आधार होगा, उससे ये चिपके रहते हैं। ठीक है, और इसे जो है वीनस की फूलों की टोकरी भी कहा जाता है, जो आपका ये यूप्लेक्टेला इसको बोला जाता है। यूप्लेक्टेला जो है ये आपको ध्यान रखना, यूकेलिप्टस नहीं है, यूप्लेक्टेला जो है इसका नाम बताया जाता है। ठीक है, अचल जीव का उदाहरण है, और हमने बताया कि फर्म बेस पे एक दृढ़ आधार से चिपका हुआ रहता है और चल नहीं सकता है। प्रोटीन अणुओं की इकाई कौन सी है? जो प्रोटीन अणु है उनकी जो इकाई है, सबसे बेसिक यूनिट है, वो अमीनो अम्ल कहा जाता है। अमीनो एसिड्स जो है वो
प्रोटीन अम्लों अणुओं की यूनिट होती हैं। निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, मतलब कौन सा एक ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल, जो पादप कोशिका है उसमें एब्सेंट रहता है, नहीं होता है, तो वो आपका सेंट्रोसोम है। जैसे सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं, तारककाय, ठीक है। और आपको ये बायो के क्वेश्चन भी मिलेंगे यूपी टेट में अब जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है, क्योंकि जो नया आयोग बनने का है तो उसमें भी इस तरह के हो सकता है क्वेश्चन थोड़े से, मतलब पैटर्न में तो चेंज नहीं होगा, पैटर्न वही आपका 30-30 क्वेश्चन का रहेगा, लेकिन हो सकता है बायो के, ठीक है, या और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके ईवीएस में इंक्लूड हो जाए, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। तो आपको इस तरह से तैयारी रखनी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य के शरीर में वो है लीवर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, इस परीक्षा में भी और अन्य परीक्षाओं में भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे बड़ी ग्रंथि की जो है मनुष्य के शरीर की वो लीवर होती है, जिसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, जो स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश का वो सारस क्रेन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजकीय पशु की अगर बात की जाए तो राजकीय पशु बारहसिंह है, राजकीय पक्षी सारस है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्रेन कहा जाता है। राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है, और राजकीय जो पुष्प है, फूल है, वो आपका पलाश है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पुरवा किस अधिवास में शामिल है, ठीक है, जिसको हैमलेट कहा जाता है, हैमलेट इंग्लिश में इसको बोलते हैं, तो ये रूरल, ठीक है, पुरवा जो है वो ग्रामीण अधिवास में शामिल है, इसके अंतर्गत जो ग्राम है, गांव है, ठीक है, ये अधिवास के अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो ज्वालामुखी पर्वत जो है वो किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है, ठीक है, किलिमंजारो पर्वत जो है वो तंजानिया में स्थित है, और ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। पिछले वीडियो में जो हमने 2021 का पेपर डिस्कस किया था तो उसमें कोटोपैक्सी आया था, ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे तंजानिया, जो कि किलिमंजारो पर्वत जो कि तंजानिया में है, तो वो एक्टिव था, जो आपका कोटोपैक्सी था वो एक्टिव वोल्केनो था, और जो आपका ये किलिमंजारो है ये आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है किलिमंजारो के बारे में, जो कि कई बार पूछी भी गई है, कि ये पर्वत जो किलिमंजारो पर्वत है वो दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा, मतलब बिना किसी बेस के, मतलब फर्म, बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ एक पर्वत है, ठीक, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो एलिफेंटा द्वीप जो है वो मुंबई के कोस्ट में है, मुंबई जो तट है, बॉम्बे कोस्ट है, वहाँ पे अवस्थित है, और एक बहुत ही फेमस, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कई बार, सोशल मीडिया साइट्स पे भी काफ़ी वायरल होता है फोटोज वगैरह इसकी, तो ये एक पर्यटन टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो गुफा मंदिर हैं, जो केव टेम्पल्स हैं, एलिफेंटा गुफा है जिसे चट्टानों पे उकेरा गया है, तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत फेमस भी है एलिफेंटा, जो एलिफेंटा द्वीप है, एलिफेंटा आइलैंड है। मानसूनी वन पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाएंगे, मानसूनी वन जहाँ पाए जाएंगे वहाँ पे वर्षा कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है, तो मानसूनी वन का मतलब ही है कि सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ पे होगी, तो लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर कह दे, या 70 से 200 सेंटीमीटर, मतलब वर्षा यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वहाँ पे मानसूनी वन पाए जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल पे फैले हुए वन हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्बी एंगलंग पठार का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, जो कार्बी एंगलंग है ये प्रायद्वीपीय पठार, मतलब ये पठार का विस्तार है, ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है उसका ये विस्तार है, और ये पाया कहाँ जाएगा, तो जो कार्बी एंगलंग पठार है ये आपका भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये आपके जो 2019 का यूपी टेट का पेपर था उसके ईवीएस के 30 क्वेश्चन हुए, ठीक है, तो आपने देखा कि क्वेश्चन आपका पैटर्न लगभग एक ही जैसा रहता है, ठीक है, उसका जो कठिनाई का स्तर है वो लगभग एक ही जैसा है, लेकिन बायो के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, ठीक है, अगर आपका यूपी टेट में मान लीजिए ईवीएस के 30 क्वेश्चन आने हैं तो ईवीएस में मान के चलिए लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, इवन 10 क्वेश्चन तक भी आपके बायो से पूछे जाने लगे हैं, ठीक है, तो बायो वाला पोर्शन भी आपको थोड़ा सा ढंग से करना है, और हो सकता है जब नए पैटर्न पर एग्जाम हो, कुछ अगर चेंजेस होते हैं, तो हो सकता है बायो के प्रश्न जो है बढ़ाए जाएं, या हो सकता है अभी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हो सकता है जब पैटर्न चेंज हो तो सीटेट जो एग्ज़ाम होता है उसके पैटर्न के कुछ क्वेश्चन डालने लगे, जिसमें आपका अप्लाइड बेस, मतलब आप अपनी अप्रोच, अपना जो एप्लीकेशन वाला माइंड है, कैसे आप अप्लाई करेंगे उस सिद्धांत को, उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे, बशर्ते आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए,
ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करने हैं कि अगर इन केस अगर एक भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर से आता है तो वो गलत ना होने पाए। इसके पीछे इसको डिस्कस करने से पीछे मकसद केवल आपका यही है, केवल इसी मकसद से इसको डिस्कस किया जा रहा है। और ये सब आपको ऑडियो फॉर्म में ही वीडियो दिए जा रहे हैं, वीडियो है लेकिन ऑडियो फॉर्म में है। आप केवल किसी भी टाइम, आप 20 मिनट का टाइम लगाइए, आधे घंटे का टाइम लगा दीजिए, जितनी देर का वीडियो है, ठीक है, आप इसको स्पीड घटा के बढ़ा के किसी भी तरह के देख सकते हैं। सुनना है केवल आपको इसमें, क्योंकि सुन लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को आप लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।